चार साल निकल गए, 12 महीने बचे हैं। इन्होंने पूरे राजनीतिक सिस्टम में एक क्रेडिबिलिटी जो लोगों की थी, लोगों के प्रति इनका एक जवाबदेही थी, उसको इन्होंने एकदम सड़क पे ला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चुप कैसे बैठ सकती है? लोगों की दुर्दशा राजस्थान में हुई और क्राइम में आज आप देख लीजिए कि इन्होंने राजस्थान के क्या हालात बना दिए। ये जंगल राज है, जस्ट लाइक आप इसको देखो, ये यही जंगल राज है। सगला बहन राम राम मोहन थारू, देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहीं जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले अभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों फिलहाल मैं उपस्थित हूँ नवलगढ़ में और मेरे साथ देख रहे हो डॉक्टर सुमन कुलेरी जी ही। बातचीत कर सूँ, काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और सौ जो देखा कि ये टाइम जो सियासी माहौल बन रहा है, एक और कांग्रेस के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, बैठे अगर राजस्थान की बात करी जाए तो पूरी जो 200 विधानसभा ही बाग के अंदर आपने जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जा रही है, सियासी माहौल में ही हो जो आपने एक इंटरव्यू है। सुमन जी अभी मेरे साथ ही, क्योंकि अन्य जिम्मेदारी दी गई है झुंझुनू में आपने जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है बिक अन्य प्रभारी बनाए गए हैं। मैम खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। मैम अभी यही चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब बात करी जा रही है कि जन आक्रोश यात्रा जो निकली जा रही है, प्रभारी थान बनाए गए हैं, कौन सी के जिम्मेदारी ही जो मुख्य रूप थान दी गई हैं जी? सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद और सबने राम राम। और जन आक्रोश यात्रा के संदर्भ में जो आपने सवाल पूछो है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस का जो शासन रहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गैर जिम्मेदारी से उन्होंने जनता के हित के काम करने वाले और विकास कार्यों का जो अनमोल समय था उसको इन्होंने व्यक्तिगत कलह में गंवा दिया। जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। गैर जिम्मेदारी से इन्होंने टोटल पब्लिक की नेग्लिजेंसी करी, तो इसका लोगों में आक्रोश है, नाराज़ हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपना विपक्ष में होने के नाते ये एक दायित्व है कि लोगों को एक संबल प्रदान करें और उनकी आवाज़ उठाएं। तो जन आक्रोश यात्रा जो है वो प्रदेशव्यापी अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, कि लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक आंदोलन है। इसमें झुंझुनू ज़िले में जो मेरे पास दायित्व है, अभी तो मैं प्रदेश स्तर पर किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष का काम देख रही हूँ, और जन आक्रोश यात्रा में सर्व समाज के लोग जो हैं, जो इस राज्य से दुखी हैं, वो शामिल होंगे। किसान जन आक्रोश चौपाल इसका एक मुख्य कार्यक्रम है। तो झुंझुनू ज़िले में जो समितियां बनाई गई उसमें हमारे एक जिला अध्यक्ष रतन सिंह जी तंवर और प्रदेश के हमारे कार्य समिति के मेंबर हैं रोहतास जी ठोलिया, ऐसे करके हमने सहीराम जी गुजर और दो व्यक्ति और हैं। तो उस कमेटी का मुझे यहाँ झुंझुनू ज़िले में प्रभारी बना करके, और जितने भी जन आक्रोश चौपाल के जो कार्यक्रम होंगे उसमें हमको एक सफल क्रियान्वयन करना है, तो उसके तहत हमने सभी जगह इनका गठन किया है, सक्सेसफुल तरीके से कमेटियों का गठन किया है, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्री माधोपुर विधानसभा का इस जन आक्रोश यात्रा में मेरे पास प्रभार है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में हम श्री माधोपुर जाके आए हैं और सारी जो समितियों का गठन है, कार्य दिवस प्रमुख है, रूट चार्ट हैं, वो सब वहाँ पर बना लिए गए हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके अलावा किसान मोर्चा की तरफ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रणवा के निर्देशानुसार लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और नीम का थाना में इस जन आक्रोश यात्रा में किसान जन आक्रोश चौपाल जो आयोजित करी जाएंगी, उसमें प्रवास का जो कार्यक्रम होगा इन विधानसभा की, ये तीन की भी मेरे पास दायित्व है जिनमें हम कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। किसान जन आक्रोश चौपाल में किसान आकर के और अपना जो है पक्ष रखेंगे, और इस सरकार से जो नाराज़गी है उसमें एक शिकायत पेटिका होगी, और किसानों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सकल घरेलू जो आय है उसमें हमारी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो किसान जन आक्रोश चौपाल में किसान जो हैं वो जुड़ेंगे, और राज्य सरकार ने किसानों के साथ जो कर्ज माफ़ी का वादा किया
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे यहाँ पे सभा करने के लिए और उन्होंने एक तरीके से 1 से 10 तक गिनती करते हुए कहा था कि 10 दिनों में किसानों की कर्ज माफ़ी हो जाएगी। वो टोटल एक बड़ा झूठ निकला। तो उस चीज़ से किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है। किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है, उनको बिजली सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से मिलती नहीं और अभी यूरिया का जो है वितरण का ये हर बात का जो ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं, लेकिन ये समय पे बता ही नहीं पाते हैं कि इनको कितनी मांग है, कितनी इनको आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये तो गृह कलेश में व्यस्त हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इनका मोह इतना है कि जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं है। तो यूरिया का आज देख लीजिए आप, न सप्लाई का वहाँ दे पाए हैं और वितरण की व्यवस्था इनकी ठीक नहीं है। किसान परेशान है। ये जो आक्रोश है वो सारा इन जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से किसानों का जो है वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ बनेगी और एक साथ राजस्थान में पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन की अलख जग रही है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जयपुर से किसान इसकी जन चौपाल की जो कार्यक्रम है जन आक्रोश यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाई, 51 रथों को हरी झंडी दिखाई। ऐसे ही 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ परिवर्तन की लहर चलेगी और 200 रथ एक साथ चलेंगे। जन आक्रोश को एक बड़ा आंदोलन का रूप दिया जाएगा और जनता की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देगी। बिल्कुल के लाग रहे है जी तरीका हूँ, राहुल गांधी पूरा देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो जन जो जी तरीकों बगस अगर लोग जुड़ रहे हैं। आज बा यात्रा जद राजस्थान में प्रवेश कर रही है, राजस्थान में आ रही है, भी दौरानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकल जानो। भारत जोड़ो यात्रा है तो ये तो शब्द है, ये समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि वो क्या भारत को जोड़ेंगे। भारत तो जुड़ा हुआ है और अगर भारत को जोड़ने का काम किसी ने किया तो एक पूरा जो है इंडिया, एक देश एक विधान, तो एक मजबूत राष्ट्र की, संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना है, वो तो धारा 370 हटा करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का काम किया है। तो मोदी जी ने देश को करके दिखाया, अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए एक सशक्त फैसला लिया कि जिस मुद्दे को UNO में ले गए नेहरू जी, हमारे घर का जो प्रॉब्लम था उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कितना लंबा अरसा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहिए था और सुरक्षा परिषद में हमको मेंबरशिप नहीं मिली और इतनी बड़ी डिप्लोमेसी का हम शिकार हुए। तो उसका जो एक नैतिक तौर पे जिसकी जिम्मेदारी होती है वो कांग्रेस की रही है कि कांग्रेस इस मामले में टोटल असफल रही और उनकी रणनीति जो थी, रणनीतिक कौशल तो जो था वो इन्होंने मतलब दूरदर्शितापूर्ण बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और एक कमजोरी के तहत उन्होंने UNO में ये मुद्दा चला गया और कश्मीर को एक विशेष उसका दर्जा दिया गया। कहीं से समझ में आने वाली बात नहीं है कि राष्ट्रीयता बहुत बड़ा इशू है, संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता, उसमें स्पेसिफिकेशन जैसी क्या चीज़ है जब भारत का संविधान ये चीज़ कहता है कि हम भारत के लोग और समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ें हैं। तो जब भारत का नागरिक अपने आप में सारे मूलभूत अधिकार उनका प्रयोग करके एक नागरिकता की जहां बात आती है तो विशेषाधिकार वाली क्या चीज़ है। तो ये धारा 370 जैसा इशू जो है उसका सॉल्यूशन दिया वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिला। भारत जोड़ने का काम जो है मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में ही हो सकता है और आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए एक पॉपुलर लीडर हैं, एक वैश्विक ग्लोबल लीडरशिप जो उनकी है वो एक आज पूरा विश्व उसको देख रहा है। आज हमको G20 की अध्यक्षता मिली है। बिल्कुल तो, ये चीज़ ही, लेकिन जी तरीका हूँ भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करण को अभी चल रही है और भी दौरानी जन आक्रोश यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी 200 विधानसभा में आयोजित करी जानी, कि लाग रहे हो कि दोनों पार्टी के एक्चुअल में जवाना का मुद्दा या फिर दोनों पार्टी आपस में ही जन आदेश दिखाने का प्रयास जो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विजन तो इसमें स्पष्ट है, उनको कांग्रेस से भयभीत होने की क्या जरूरत है। कांग्रेस तो पूरे भारत में सिमटती जा रही है। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 सीटों से ग्रो करते हुए आज वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आई, तो लोगों का विश्वास इसीलिए आई। और कांग्रेस कहाँ सिमटती जा रही है, आज 2 स्टेट तक सिमट के आ गई है। तो आप ये देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं।
क्या भारत जोड़ने की बात करते हैं, पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें और अपने नेताओं में कोऑर्डिनेशन कर लें। दुर्भाग्य की स्थिति है कि उनकी जो यात्रा है वो अगर राजस्थान में प्रवेश कर रही है तो आप उनके नेताओं की बयानबाजी सुन लीजिए, उनके जो शब्द हैं वो बिल्कुल ही अमर्यादित हैं और उनका टकराव और उनका द्वेष जो है वो चरम पर है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का तो एक व्यवस्थित कार्यक्रम है कि लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, लायबिलिटी जो है उससे कभी पार्टी पीछे हटी नहीं है। भाजपा अपनी प्रतिबद्धता के चलते लोगों के लिए जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। 4 साल निकल गए, 12 महीने बचे हैं, इन्होंने पूरे राजनीतिक सिस्टम में एक क्रेडिबिलिटी जो लोगों की थी, लोगों के प्रति इनका एक जवाबदेही थी, उसको इन्होंने एकदम सड़क पे ला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चुप कैसे बैठ सकती है? लोगों की दुर्दशा राजस्थान में हुई और क्राइम में आज आप देख लीजिए कि इन्होंने राजस्थान के क्या हालात बना दिए। ये जंगल राज है, जस्ट लाइक आप इसको देखो, ये यही जंगल राज है जो अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में और कुर्सी का मोह जो है उसके चलते हुए ये अपने लोगों को साध नहीं पा रहे हैं। तो क्या औचित्य है ऐसी यात्राओं का? कहीं से कोई औचित्य नहीं है। जब तक आपका स्वयं का घर ठीक नहीं होता, आपको रिजल्ट नहीं दे सकते, तो लोगों को कहाँ से टैकल करेंगे? राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को इन्होंने बिल्कुल निराश्रित अवस्था में छोड़ दिया। गवर्नमेंट को जो एक अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए थी, कोरोना के समय भी लोग बहुत परेशान हुए और इनकी जो पार्टी थी, इनकी सरकार थी, वो लग्जरी होटलों में ये लोग बैठे रहे, तो ये जनता के प्रति बहुत बड़ी इनकी एक उदासीनता और गैर जिम्मेदारी रवैया रहा है। तो ऐसी यात्राओं का क्या औचित्य है? कि अभी को रेस्पॉन्स की अगर बात करी जा रही है तो थेबी क्षेत्र में जाता होगा, लोगों को मिल रहा होगा, क्योंकि अगर एक अत्तो बड़ो आयोजन आज पूरा राजस्थान में जी तरीके को करो जा रहे हो। अपना क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो बिकमान के रेस्पॉन्स लोगों को देखने मिल रहे हो जन आक्रोश यात्रा ने लेके। जन आक्रोश यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह है और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं और लोग एक आशा की नज़र से देख रहे हैं। और हम आप यहाँ स्थानीय स्तर पर पूछ रहे हैं तो लोग एक परिवर्तन का मन बनाए हुए हैं और बहुत उत्साहित हैं, आशा के साथ देख रहे हैं कि परिणाम अच्छे आएंगे और लोगों के हित का कोई मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। डॉक्टर सुमन जी कुलेरी की बात करें तो अभी उदयपुर वाटी के बाद में कि इस टाइम में नवलगढ़ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, जो काफ़ी ज़्यादा गाँव में जा रहे हैं, लोगों मिल रहे हैं काफ़ी समय हूँ, तो इन्हें देख के कयास लगाया जा सके अभी? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको दायित्व दिए हैं और जो विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य है। और सरकार जो है राजस्थान की, उससे लोग परेशान हैं, तो ऐसे समय में जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोग एक आशा की नज़र से देखते हैं और लोग जुड़ते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, तो हमको नवलगढ़ में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि नवलगढ़ का जो भी लोग हैं, यहाँ की पब्लिक है, वो वॉच कर रहे हैं चीज़ों को। क्यों? नवलगढ़ एक ऐसी सीट है जहाँ पे हम लोग 15 साल से तो देख रहे हैं कि जिनको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है वो धीरे धीरे विकास के रास्ते से हट गए और उन ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं कि लोग उनसे बहुत परेशान हैं। तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि इस बार हमने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस डिटर्मिनेशन और समर्पण के साथ जुटा हुआ है पार्टी को जीत दिलाने के लिए, तो नवलगढ़ में इस बार इतिहास रचा जाएगा और यहाँ पे कमल खिलेगा और लोग बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। कि उम्मीद पक्की चीज़ के लिए मान ली जा रही है कि लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक ये चीज़ थे भी मान रहे हो कि थे भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ ने माने, क्योंकि नवलगढ़ राजकुमार जी एक ही तरीका की भाई आमजनों जिस तरीके में जुड़े हैं, एक मजबूत सीट इन कांग्रेस की मान है, कांग्रेस भी चीज़ ने कि भाई बैठाऊँ राजकुमार जी ने कांग्रेस की अगर टिकट दी जाए तो मैं बैठाऊँ चुनाव आराम जीत के आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी अठे प्रयास कर रही है लगातार, देखा तो आप कि कई बार है जो अठाऊँ सीट निकाल पाओगी, या फिर टिकट की अगर दावेदारी की अगर बात करी जा रही है तो बिकमैन भी लगातार काफ़ी चेहरा है जो शायद अभी सामने निकल के आए हैं, तो कह हैं कि कोई मजबूत कैंडिडेट अठे जो राजकुमार जी ने चुनौती देश की बात। आपका जो ये सवाल है इसमें हम ये कहेंगे कि इसका यही सटीक जवाब है कि जब किसी पर पार्टी विश्वास जताती है और उसको लोगों के बीच भेजती है और जिनको यहाँ जीतने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने जहाँ से शुरुआत करी उस समय ऐसा लोगों को लगता नहीं था कि ये एक दिन नवलगढ़ को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। और लोकप्रियता एक चीज़ होती है कि जब आप जनहित के काम करते हैं,
लीडरशिप डेवलप आपकी होती है क्योंकि लोगों के विश्वास पे आप खरे उतरते हो तो आपकी लीडरशिप डेवलप होती है, और जब आपको पार्टी मौका देती है तो आपको उस चीज़ से हटते हुए और अपने निजी स्वार्थ के लिए जनहित को छोड़ते हुए इग्नोर करते हुए जब आपके ऊपर आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है और आप अपने आप को सिर्फ पैसा बनाने के लिए जब लिप्त कर देते हो और वो किसी भी तरीके से आना चाहिए, तो उस समय आपकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगती है। और आपने जिनका नाम लिया, जिनको यहाँ पर अप्लाई किया गया था और उन्होंने शुरू में यहाँ पे जो शुरुआत करी थी, उसके बाद धीरे धीरे आज हालात ये हैं कि उन्होंने नवलगढ़ को गर्त में पहुँचा दिया। तो ये जन विश्वास की ही तो कसौटी होती है जो आपको लोकप्रियता के शिखर पे ले जाती है और फिर आपको फर्श से अर्श पे आना पड़ता है। आज नवलगढ़ जिस दुर्दशा वाली स्थिति में है और लोग यहाँ पर पीड़ित हैं और त्रस्त हैं और एक फियर और आतंक का माहौल है, तो ये उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट है और उनको भी इस चीज़ का पूरी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी अपना ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन सब मुद्दों को छुआ है कि जहाँ पे जनता को तकलीफ़ मिली है उन सब चीज़ों की आवाज़ बनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि जब लोग ये सोचते हैं कि हमारी जड़ें जम गई हैं और हम लोग आज चाहें जैसा करें, तो राजनीति में इस तरीके के बड़े बड़े नाम हैं वो समय के साथ चले भी गए हैं, लोग धराशायी भी हो गए हैं। जनहित ये कि जो बात है, जब ये पासा पलटता है तो बड़े बड़े बरगद के पेड़ उखड़ जाते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में तो आप देखिए कि राजनीति में इस तरीके के न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि जमीन पे ग्राउंड स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता है वो भी इतिहास रच रहा है। तो किसी को मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने बड़े शहंशाह हो गए हैं। जन विश्वास के खिलाफ जो जाता है उसको राजनीतिक सिनेरियो से भी हटना ही पड़ता है, भले ही वो कोई भी हो।